हेलो। सभी विवाहित नवयुवतियों से जो भी नई नई हैं उनके लिए मेरा विशेष तौर पर अनुरोध है, जो कि जिनको कि अभी नई नई शादी हुई है या क्या कहते हैं हुए 1-2 साल हो चुके हैं, उनके लिए विशेष तौर पे है कि कृपया करके, बहुत सारी बातें आपको मालूम है कि आप जब दूसरे घर शादियों के जा रही हैं, चाहे पति पत्नी आप अकेले रहो चाहे ज्वाइंट फैमिली में रहो, जैसा भी कुछ है, कुछ वहाँ के सिस्टम को हमें अडॉप्ट करना पड़ता है, करना भी चाहिए, जैसा भी कुछ है उनके अपने जो भी रिचुअल जो भी कुछ है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ क्या आ जाती है कि हमें अपने व्यक्तित्व को बराबर मेंटेन किए रखना चाहिए, जो बाहरी व्यक्तित्व है। बाकी बातें तो बहुत हो चुकी हैं, कई वीडियोज में है, कई लेखों में है, लेकिन अभी फिलहाल मैं बाहरी व्यक्तित्व की बात करता हूँ। उसी तरह से मेंटेन कर, कहते हैं ना, आपका सामने जो प्रेजेंटेशन है, आप किसी जगह इंटरव्यू देने, तो आपका चलना, आपका कहते हैं ड्रेसअप, आपका कहते हैं अंदाज बात करने का, आपके चेहरे का लावण्य जिसको कहना चाहिए, वो सब एकदम एक्यूरेट बढ़िया होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले प्रभाव डाले। आप फौज के अंदर भी देखिए कि वहाँ ऑफिस में घुसने से पहले एक शीशा होता है काफी, जिसको कि व्यक्ति अपना जाते ही अपना चेहरा देखता है, अपने ड्रेस व्रेस को देख लेता है सही ढंग से। उसका अर्थ क्या रहता है कि ताकि आप एकदम बढ़िया ढंग से एकदम टन चुके आप आगे चलें कि हाँ भाई मैं एकदम, मेरी ड्रेस एकदम बढ़िया है, मेरा चेहरा एकदम ठीक है, मेरे क्या कहते हैं टोपी एकदम ठीक है। ये फौज का एक सिस्टम है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी भी है, मनोविज्ञान भी है, कि आपका व्यक्तित्व आपका बहुत कुछ बोलता है। इसीलिए इस चीज़ पे गौर करके चलिए कि हमें शादी के बाद, अब मान लीजिए एक कॉमन सी बात है कि हमें अपने जितने भी हिंदूज हैं उसमें अंदर मांग और बिंदी कॉमन बात है, अरे भर लीजिए, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ना, इसमें क्यों नखरे करने। आपने विवाह कराना तो ये आपके एक भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आपको चाहे वो आपका घर कितना भी आधुनिक हो, अगर उनको शॉर्ट्स पहनना नहीं पसंद है तो आपको क्या जरूरत है कि आप घर में भी शॉर्ट्स पहन करें कि बाकी, ताकि आपका बाकी खुला हिस्सा आपको दिखे, किस लिए करना है ना। उन्होंने आपको कह रखा भी आप जीन्स पहनो, कुर्ती पहनो, आप सलवार सूट पहनो, साड़ी पहनो, जो पहनना पहनी है आप, ठीक है ना। सलवार सूट में कई तरह के डिजाइन आते हैं, प्लाजो आ गया, शरारा आ गया, जो भी कुछ है, लेकिन जब उनको नहीं पसंद है शॉर्ट्स तो क्यों पहनना, ठीक है ना। आप इस बात पे गौर करिए, अभी आप भारत में रह रहे हैं, भारत की परंपराएं अभी तक या जो 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 भी उनके अपनी संस्कृति भी गई नहीं है। आप विदेश में रहें तो एक अलग बात है, या बिल्कुल अकेले रहें तो भी अलग बात है, लेकिन जैसे ही आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या आते जाते हैं तो आपको अपने आप को एक सभ्य तरीके से पेश करना चाहिए। और श्रृंगार की बात है, कई पतियों को, अधिकांश पतियों को श्रृंगार बहुत पसंद होता है या उनको जितना भी, लेकिन आप ना तो बिंदी लगा रही है ना मांग भरी, वो तो अलग बात है। बाकी आप अपने कोई सज धज के बीच, मतलब सज धजने का मतलब क्या, भारी मेकअप नहीं, सिंपल, मेरे को कहते हुए भी संकोच होता है, लेकिन मेरी प्यारी बच्चियों बेटियों आप मेरी बात पे गौर करिए, ये जो हल्का हल्का आप समझती हैं, अरे भाई अपनाती हैं, चेहरे पे क्रीम तो लगाती हैं, हर लगाती हैं, तेल लगाती हैं, जो भी कुछ है, अगर थोड़ा सा एक लिपस्टिक लगा लो, थोड़ा सा काजल लगा लो, अगर आपको उचित लगे तो क्या बुराई है। चलिए काजल नहीं भी लगाते, कई बार किसी को आंख को सूट करता नहीं करता, लेकिन लिपस्टिक लगाने में क्या बुराई है, आप थोड़ा सा आप सोचिए, थोड़ा सा अगर आप इत्र फुलर लगा ले अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इत्र नहीं भी सूट करता, परफ्यूम नहीं सूट करता, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चेहरे का आकर्षण बना रहना चाहिए। आप खुद देखिए व्यक्तित्व में निखार के लिए आपका परिवेश, परिधान जिसको बोलते हैं ड्रेसअप सेंस, और साथ में कहते हैं मेकअप सेंस, ये होना चाहिए। इस बात पर गौर कर लीजिए, जिससे कि सामने वाले पे प्रभाव पूरा पड़ता है। आप किसी जगह इंटरव्यू देने जा रही हैं तो भी आपका ड्रेसअप सेंस, आपका कहते हैं वहां तक उस सीट तक पहुंचना, टेबल जो भी कुर्सी तक पहुंचना, साथ में आपका अंदाज और आपके चेहरे का लावण्य, मतलब ड्रेसअप सेंस, मेकअप सेंस और आपका क्या कहते हैं अंदाज, ये एटीट्यूड, ये सारी चीजें काउंट्स होती हैं जी पहले, ठीक है ना। आप केवल एक ढीले ढाला सा वस्त्र पहन के घर में रहती, मैं तो जैसी वैसी रहूंगी, मैं नहीं मानूंगी, मेरे हिसाब से इनको रहना क्यों मैं करूं, मैं तो जैसे पियर में रहती, अरे भाई मत करो आप। आपको अगर उसके वहां पे ये है कि ठीक है, एक वो मना नहीं करते, कहीं भी आओ जाओ, लेकिन ये कि अगर बोल के चले जाओ तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको लगता है ये बोलना ही पड़ेगा मेरे को, तो बहुत सर, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी बातें आती रहती है ना। सबसे बड़ी चीज ये है, आप जिस ढंग से पियर में रहती थी, अपनी मस्ती में रहती थी, कहने का चाह कितनी पढ़ाई करूं, कितना काम करूं, लेकिन वो आपका एक अपना लाइफ स्टाइल था, तो पहली बात तो ये याद कर लीजिए, आप विदेश में नहीं, या विदेश में जाके नहीं बस रही हैं, ये भारत है। भारत में चाहे कितना भी उच्च स्तर के पढ़े लिखे लोग हों, उच्च पदाधिकारी हों या धनिक वर्ग हो, कोई भी हो, छोटे से लेके बड़े तक, मैंने कहा ना, चाहे कितने भी पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन जब उनके घर में बहू आती है तो उनका भारतीय संस्कृति उस समय लागू हो जाती है, बहुत कुछ
और बहू को भी इस चीज को उस गरिमा बनाए रखना चाहिए, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों को लेके जिद करना, छोटी छोटी बातों को लेके क्या कहते हैं बढ़ा चढ़ा के बताना, फिर अपने हिसाब से कहते हैं मन को मायूसी रखना बजाय उन लोगों को खुशी देने के, बस अपने ही क्या कहते हैं वो करे रखना, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। फिर हर विषय पर तर्क वितर्क करना, ये चीज़ें ठीक नहीं है ना। इससे क्या कहते हैं घर में केवल कलह क्लेश ही बढ़ती है और आपको भी मानसिक क्या कहते हैं एक प्रकार से अवसाद होने लगता है। नमस्कार, मंगल कामना। इस छोटे से मैं बहुत कुछ समझेंगे, मंगल कामना।